हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकर्स ड्रीम यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, कल आईबीपीएस क्लर्क का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है, तो आई होप आपने भी अपना स्कोर देखा होगा। तो मैंने भी अपना स्कोर देख लिया है एंड मुझे 100% यकीन था कि मेरे मार्क्स या तो 80 होंगे या 80 से ऊपर होंगे, एंड वैसा ही हुआ है। तो मैं आपको अपना स्कोर दिखा रही हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। सो मैं हरियाणा से हूँ और मैंने EWS कैटेगरी में अप्लाई किया था एंड मेरा एग्ज़ाम 4 तारीख को थर्ड शिफ्ट के अंदर था। तो गाइस देखिए, इंग्लिश के अंदर मेरे मार्क्स 18.75 आए हैं और न्यूमेरिकल में मेरे 28.75 है। न्यूमेरिकल में मैंने 28 अटैम्प्ट किए थे तो 0.75 एक्स्ट्रा मिला है। एंड रीजनिंग के अंदर मैंने 35 पूरे किए थे और पता नहीं गलत कैसे कर दिया उन्होंने। आई थिंक तो कोई भी गलत गलत नहीं था, लेकिन शायद या तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर काटे होंगे उन्होंने या फिर मेरा रोंग हो ही गया होगा कोई। तो 33.75 है एंड ओवरऑल मेरे मार्क्स 81.25 है। लेकिन इतना बड़ा मतलब मेरे को शौक लगा देख के कि हरियाणा की कट ऑफ लास्ट ईयर 78.5 थी। जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी की एक जैसी होती है, तो मतलब अब की बार सीधा ही जंप, इतने नंबर का जंप हो गया, 85.5 हरियाणा की कट ऑफ। अब तो इन पेपर वालों को कोई भी हाल नहीं रहा जी। अब की बार जो IBPS क्लर्क ने अपनी कट ऑफ बढ़ाई है ना, अब तो कोई भरोसा नहीं है कि आगे ये पेपरों में क्या करने वाले हैं। मेरे को तो SB क्लर्क के लिए भी बहुत डर लग रहा है। तो गाइस 81.25 मेरे मार्क्स हैं, लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है इसलिए क्लियर नहीं हुआ था। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने पोस्ट भी की थी वीडियो इससे रिलेटेड। सो गाइस आप बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं एंड आपके स्टेट की कट ऑफ क्या गई है। और गाइस आप ये भी बताना कि आपने SB क्लर्क का फॉर्म कहाँ से भरा है। मैंने तो पहली बार फॉर्म गुजरात से भरा है और मुझे कल की कट ऑफ देखने के बाद तो काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि गुजरात की कट ऑफ भी 81 गई है। लास्ट ईयर 72 थी IBPS क्लर्क की और इस साल 81 गई, सीधी जंप कर गई। और मुझे तो डर लग रहा है कि मैंने सही किया है कि नहीं किया। लेकिन SB क्लर्क की वैकेंसी हरियाणा में तो बहुत ही कम थी, इसलिए मैंने सोचा कि गुजरात से मैं फ़िल कर देती हूँ। तो मैंने अब की बार तो गुजरात से फ़िल किया है, अब देखते हैं क्या होता है। एंड आप बताना कि आपने SB क्लर्क कहाँ से भरा है और आपके इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना। थैंक यू।